नमस्कार एबी क्लासेस के इस नए एपिसोड में मैं अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 5 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज पावर मेजरमेंट के बारे में। इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल के 4 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पहले देख लें। इस वीडियो में हम थ्री फेज पावर मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे वॉट मीटर की रीडिंग से कैसे हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट पावर फैक्टर एंगल्स पे हम जानेंगे कि वॉट मीटर की रीडिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी पावर फैक्टर की वीडियो और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उससे अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मैं उसी वीडियो का इसलिए दे रहा हूँ कि इसको समझने से पहले आपको पावर फैक्टर समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो वो देखें। और पावर फैक्टर तो वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके न्यूमेरिकल्स की अगर आप वीडियो देख लेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे पावर मेज़र कैसे की जाती है थ्री फेज सिस्टम में। तो पहले हम जानते हैं किसी भी लोड के अक्रॉस अगर वॉट मीटर लगाया जाए तो कैसे पावर मेज़र की जाएगी। मान लीजिए ये हमारा लोड है, तो इसके अक्रॉस पावर मेज़र करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इसके अक्रॉस करंट और इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो उसके लिए हम एक वॉट मीटर बनाते हैं जिसमें क्या होती है, एक करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल इसके सीरीज में लगी होती है और एक ये होती है प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल फेस लोड। यहाँ है लो रेजिस्टेंस की करंट कॉइल और ये हाई रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते हैं और हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल को कहते हैं प्रेशर कॉइल। अब ये हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल ये यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, जिससे कि जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वही पैरेलल में भी ड्रॉप हो और यहाँ से जो करंट जाएगा वो लो रेजिस्टेंस कॉइल इसलिए होती है क्योंकि करंट मैक्सिमम उस यहाँ से फ्लो हो, जिससे कि वॉटमीटर में करंट की रीडिंग भी मैक्सिमम आए जितनी लोड में जा रही है और वोल्टेज की भी। उससे फिर वी आई कॉस फाई से हमारी पावर आ जाती है इस वॉटमीटर के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल फेज की पावर मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर थ्री फेज में मेज़र करनी हो, थ्री फेज में पावर मेज़र करने के 3 तरीके होते हैं, 1 वॉटमीटर मेथड, 3 वॉटमीटर मेथड एंड 2 वॉटमीटर मेथड, जिसमें 2 वॉटमीटर मेथड आपने बहुत जगह सुना होगा और सबसे ज़रूरी भी वही होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि 1 वॉटमीटर मेथड क्या होता है। 1 वॉटमीटर मेथड में मान लीजिए हमारा सिंगल थ्री फेज का लोड है, तो हम इसके किसी भी एक फेज में अपना वॉटमीटर लगा देंगे। ये करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है, ये हमारा है वॉटमीटर 1, ये फेज 1, ये न्यूट्रल, ये फेज 2, ये 3, ये 1। ठीक है, अब ये सिर्फ बैलेंस्ड लोड्स के लिए ही हम लगा सकते हैं। बैलेंस्ड लोड मतलब, अब आप कहेंगे बैलेंस्ड लोड क्या होते हैं। बैलेंस्ड लोड वो होते हैं जिनके हर फेज में करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब हर फेज में अगर करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो यहाँ जो वॉटमीटर में रीडिंग आएगी वो, और यहाँ जो वॉटमीटर में रीडिंग आएगी वो, और यहाँ जो आएगी, तीनों सेम होंगी। तो 3 वॉटमीटर क्यों लगाएं, हम क्यों ना 1 वॉटमीटर लगाएं और उसकी रीडिंग को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 वॉटमीटर ना लगा के 1 वॉटमीटर लगाएं और उसमें जो पावर आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 वॉटमीटर मेथड। लेकिन ये कब यूज़ कर सकते हैं हम, ये सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब लोड बैलेंस्ड है। ठीक है, अब 3 वॉटमीटर मेथड क्या होता है। 3 वॉटमीटर मेथड में इसी तरह से हर फेस में अलग अलग 3 वॉटमीटर लगाए जाएंगे और 3 वॉटमीटर लगाने के बाद
हर वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया जाएगा और उनको सम करके वो टोटल पावर हमारी आ जाएगी। अब थ्री वोल्ट मीटर मेथड भी ज़्यादा यूज क्यों नहीं होता है? थ्री वोल्ट मीटर यूज इसलिए नहीं होता है, एक तो ये थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। यहाँ न्यूट्रल है, हर जगह न्यूट्रल आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर उसमें हम आर्टिफिशियल न्यूट्रल क्रिएट करने पड़ता है। दूसरी बात, ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम्स में दिक्कत आती है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम्स में क्या दिक्कत आती है थ्री वॉट मीटर मेथड से, कि जैसे ये डेल्टा की कॉइल है तो इनमें करंट कॉइल लगाने के लिए आपको इसे ब्रेक करना पड़ता है, फिर एक करंट कॉइल लगानी पड़ती है, तो ये ब्रेक करने वाली प्रॉब्लम इसमें आती है। ठीक, इसलिए थ्री फेज पावर मेजरमेंट वाला भी थ्री वॉट मीटर मेथड यूज़ नहीं होता है। दूसरा एक और डिसएडवांटेज है, इसमें तीन वॉट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास एक बेस्ट मेथड आता है, टू वॉट मीटर मेथड। इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, और ये बहुत ही ज़रूरी इसलिए होता है कि एक तो हमने इसमें एक वॉट मीटर कम कर दिया, दूसरा ये लोड चाहे बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, किसी भी तरह के लोड के लिए ये यूज किया जा सकता है। अब दो वॉट मीटर को लगाते कैसे हैं? देखो, मान लीजिए हमारे पास थ्री फेस लोड है, ठीक है, ये फेज वन फेज टू फेज थ्री हो गए। इनमें से किसी भी दो फेज में हम वॉट मीटर लगाएंगे तो जो करंट कॉइल होगी वो तो फेज के सीरीज में होगी। मान लो हम इन दो फेज में लगा रहे हैं, करंट कॉइल तो सीरीज में हो गई, और जो प्रेशर कॉइल होगी वो पैरेलल में होगी, और इस प्रेशर कॉइल को हम जो तीसरा हमारा फेज होगा उससे कनेक्ट कर देंगे, दोनों की ही प्रेशर कॉइल को, ठीक है। तो ये था फेज वन, ये टू, ये थ्री। अगर हमने फेज वन में और टू में लगाया है तो जो बचा हुआ फेज है उसमें उन दोनों की प्रेशर कॉइल आके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज था वी वन वी टू वी थ्री, ये फेज वोल्टेज हैं, तो लाइन वोल्टेज क्या होंगे? वी वन माइनस वी थ्री और वी टू माइनस वी थ्री, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया इसका डायग्राम कि कैसे हम टू वॉट मीटर यूज़ करेंगे, दो वॉट मीटर कैसे लगाएंगे। अब हम जानते हैं जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी वन आई वन प्लस वी टू आई टू प्लस वी थ्री आई थ्री। तीनों फेस में पावर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ पर क्रिचॉफ्स लॉ लगाएं, यहाँ से करंट आ रहा है आई वन, यहाँ से आई टू और यहाँ से आई थ्री, अगर यहाँ पे क्रिचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ से देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन वन है। यहाँ से हम I1 और I2 की वैल्यू तो हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ेगी ही, I3 की वैल्यू यहाँ से I1 और I2 की टर्म में निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी I3 की, I1 I2 को उधर ले जाएंगे। इस I3 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगा? V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा देते हैं इस माइनस की जगह, माइनस V3 I1 प्लस I2, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो P इज इक्वल टू आएगा I1 V1 वी वन माइनस वी थ्री प्लस आई टू वी टू माइनस वी थ्री, ठीक है। अब देखो पावर क्या होती है, V इंटू आई, और V1 वन माइनस वी थ्री क्या है? ये वाला लाइन वोल्टेज जो कि वॉट मीटर वन के अक्रॉस है, ये W1 है, ये W2 है, ठीक है। V1 वन माइनस वी थ्री क्या है? W1 के अक्रॉस। V2 टू माइनस वी थ्री क्या है? W2 के अक्रॉस। तो ये वाला W1, ये वाली पावर कितनी हो गई? W1 की पावर। ये वाली पावर किसकी हो गई? W2 की पावर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये टोटल पावर चल रही थी, तो टोटल पावर कितनी आ गई?
W1 प्लस W2, ठीक है। तो टू वॉट मीटर मेथड में भी अगर दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स को सम कर दिया जाए तो थ्री फेस पावर हमारी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि पावर फैक्टर इससे कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसका फेजर डायग्राम बनाना। अगर आपने फेजर डायग्राम भी बनाना आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेजर डायग्राम वाली भी उससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरी वीडियोस कम आती हैं लेकिन क्वालिटी में अच्छी रखने की कोशिश करता हूँ। फेजर डायग्राम की वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक बार देख लें, ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं या समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कहीं और से कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको फेजर डायग्राम बनाना बताता हूँ इसका, और ये बताता हूँ कि पावर फैक्टर हम कैसे मेज़र करेंगे। देखो, ये हमने तीन वोल्टेज बना लिए, V1 V2 V3, ये थ्री फेज वोल्टेज हो गए जो कि 120 डिग्री फेज शिफ्टेड हैं। अब हम V3 का नेगेटिव पार्ट भी बना लेते हैं, -V3, ठीक है भाई। अब इन सब के करंट भी बना लेते हैं हम, फेज करंट जो कि 5 डिग्री से लैगिंग कर रहे होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि लैग कर रहे हैं। ये होगा I1, ये होगा I3 और ये होगा I2, ये 5 डिग्री से लैग कर रहे हैं, 5 5 एंड 5। अब हमें पता है ये V2 है, ये -V3 है, V2 -V3 क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये क्या होगा, V2 -V3, क्योंकि ये -V3 है। इसी तरह से ये V1 है, ये V3 -V3 है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, V1 -V3, ठीक है। आई होप आपको ये लैगिंग लीडिंग का समझ आ रहा होगा चक्कर, नहीं आ रहा है तो मैंने बता दिया, वो वीडियो आप देख लें आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पे पहुंचने वाले हैं, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो, हमें पता है कि किसी भी लाइन वोल्टेज में और फेज वोल्टेज में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है, ये हो गया टोटल 30, और यहाँ पे ये वाला एंगल है 5, तो इतना कितना बचा एंगल, 30 माइनस 5, ठीक है भाई। इसी तरह से यहाँ पे ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और इसमें और इसमें टोटल एंगल कितने का हो गया, 30 प्लस 5, ठीक है। तो ये हमने जाना कि यहाँ पे एंगल आ रहा है वॉट मीटर 1 में 30 माइनस 5, वॉट मीटर 2 में आ रहा है 30 प्लस 5, ठीक है। तो वॉट मीटर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, VLIL cos φ उसकी वैल्यू होती है, तो W1 को हम लिख सकते हैं VLIL cos 30 माइनस 5, ये 30 माइनस 5 यहाँ से आया है, और W2 को हम क्या लिख सकते हैं, VLIL cos 30 प्लस 5, ये 30 प्लस 5 यहाँ से आया है, ठीक है। V2 में V2 माइनस V3 थी W2 में, इसलिए हम ये वाला एंगल लेंगे, W1 में V1 माइनस V3 थी इसलिए ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। अब पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है हमें वॉट मीटर मेथड से, तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा फाई। फाई हम इनसे कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए जानते हैं। पहले हम दोनों वॉट मीटर्स को जोड़ देते हैं, वॉट मीटर्स की रीडिंग्स को, वॉट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो W1 प्लस W2 ये अगर मुझे करना है इज इक्वल टू VLIL cos 30 माइनस 5 एंड प्लस VLIL cos 30 प्लस 5, तो VLIL को कॉमन ले सकता हूँ, VLIL cos 30 माइनस 5 plus cos 30 plus 5, ठीक है। अब cos A minus B plus cos A plus B, ये फॉर्मूला होता है टू cos A cos B का, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, टू ये VLIL ऐसे लिख देते हैं, टू cos A cos B cos 30 cos 5, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन
टू, तो रूट थ्री अपॉन टू अगर हम इसकी जगह रखेंगे तो टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री रह जाएगा। तो डब्लू वन प्लस डब्लू टू कितना आएगा, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई, जो कि हमारा ट्रू पावर का भी फॉर्मूला होता है। आपने देखा होगा, अगर भाई पावर फैक्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम निकालते हैं, ये आ गया W1 प्लस W2, अब हम निकालते हैं W1 माइनस W2। तो इसी तरह से माइनस करेंगे वी एल आई एल कॉस 30 माइनस फाइव में से माइनस करेंगे वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाइव, उसके बाद वी एल आई एल कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वो किसका फॉर्मूला होता है, टू साइन ए साइन बी का। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए साइन बी का। तो हम सीधा रख देते हैं, डब्लू वन माइनस डब्लू बी क्या होगा, वी एल आई एल तो कॉमन आ गए थे, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन टू, तो यहाँ से 1 अपॉन टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी बच जाएगी वी एल आई एल साइन फाई, ठीक है। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर समझ आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है, मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। अगर आप शेयर करते हैं तो डबल मोटिवेशन मिलती है और थोड़ा मेरा भी फ़ायदा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है वैसे, पर जो भी है आपको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ायदा इसमें मैं देखता नहीं हूँ कभी भी, ये मेरा प्रॉमिस है। इस चीज़ के लिए कभी मैं पेड वीडियोज ये सब कभी नहीं रखा जाएगा आपको। अगर फ्री में जितना पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाऊँगा, पेड में यहाँ पे अपनी कोचिंग में पढ़ाता ही हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगर हम W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 कर दें, मतलब एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर आप देखेंगे वी एल आई एल से वी एल आई एल तो कट ही जाएगा, इधर क्या बचेगा दिखाई दे रहा है, डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपॉन डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू वी एल आई एल तो कट जाएगा, और साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या आएगा टेन फाई, और अपॉन में क्या बच जाएगा ये रूट थ्री। आई होप अगर आप थोड़े से बड़े हो गए तो डिवाइड तो कर ही लेंगे, जो मैंने डायरेक्ट करके लिख दिया है। यहाँ से टेन फाई की वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपॉन डब्लू वन प्लस डब्लू टू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन आए ना आए समझ आना चाहिए, अगर मैंने समझा दिया, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे कैसे पूछा जाएगा, देखो आपको दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा पावर फैक्टर क्या है। तो आप कैसे निकालेंगे, टेन फाई निकालेंगे, W1 पहले वॉट मीटर की रीडिंग रखेंगे, दूसरे की रखेंगे, और नीचे सम ऊपर डिफरेंस नीचे सम, ठीक है। यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी, और अगर फाई की वैल्यू आ जाएगी तो कॉस फाई की आ जाएगी, और कॉस फाई तो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इतना समझ गए, यहाँ से पावर फैक्टर हम निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये 100% तो नहीं लेकिन चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो अब मैं बताने वाला हूँ वो तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आई होप अगर आपको ये समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, डिजिटल ज़माना है। देखो भाई, W1 क्या था, वी एल आई एल कॉस 30 माइनस फाइव, ठीक है। और W2 क्या था, वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाइव। अब केस वन क्या आता है, फर्स्ट केस में जब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर
यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है जब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो बच जाएगा, 30 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो हमारी W1 में रीडिंग कितनी आएगी, √3/2 VL IL, W2 में रीडिंग कितनी आएगी, √3/2 VL IL, ठीक है। ये रिजल्ट आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी है या फिर एंगल 0 डिग्री है तो W1 इज इक्वल टू W2 होगा, W1 इज इक्वल टू -W2 होगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे कैसे कई सारे ऑप्शंस देके आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है W1 इज इक्वल टू W2 होगा, ठीक है। वो कैसे आया, क्योंकि ये एंगल 0 है तो बराबर बराबर हो गए इक्वेशन। अब दूसरा केस, अगर पावर फैक्टर हमारा 0 है मतलब फाई हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। फाई 90 डिग्री के केस में क्या होगा, यहाँ पे 90 रखेंगे तो -60 आएगा, यहाँ पे 90 रखेंगे तो 120 डिग्री आएगा, और ये -60 रखने के बाद क्या होगा, -60 रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या रखेंगे, 90, तो -60 और cos -थीटा थीटा ही होता है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आएगी, 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो W1 हमारा देगा, मुझे यहाँ पे लिखना है, W1 से आएगी 1/2 VL IL, और यहाँ पे जैसे ही हम 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 डिग्री का मतलब cos -30, तो फिर हमारी माइनस में वैल्यू आएगी, cos -13 cos 120 की वैल्यू हमारी -1/2 आएगी, तो W2 कितना देगा, -1/2 VL IL, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि अगर पावर फैक्टर हमारा 0 है मतलब फाई 90 डिग्री है तो W1 और W2 बराबर होंगे, लेकिन W2 नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा, नेगेटिव रीडिंग देगा, और W1 पॉजिटिव रीडिंग देगा। अब बात कर लेते हैं पावर फैक्टर अगर हमारा 0.5 है, ठीक है। थर्ड रिजल्ट आएगा, पावर फैक्टर है 0.5 मतलब फाई कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, फाई है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो cos -30 आएगा, cos -30 फिर से वही √3/2, तो W1 में कितना आएगा, √3/2 VL IL, और W2 में जैसे ही यहाँ पे 60 रखेंगे 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, W2 में कितनी रीडिंग्स होगी, 0। तो कुछ रिजल्ट्स स्टैंडर्ड हमारे सामने हैं, अगर कभी भी हमारे वाटमीटर 2 की रीडिंग 0 है और वाटमीटर 1 की रीडिंग इस तरह से है √3/2 VL IL, तो पावर फैक्टर हम समझ जाएंगे कि हाफ है, 0.5। कभी भी W1 और W2 की रीडिंग बराबर हैं लेकिन W2 की माइनस में आ रही है और W1 की प्लस में आ रही है तो पावर फैक्टर कितना है, 0। अगर रीडिंग्स बराबर हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पावर फैक्टर है हमारा यूनिटी। इन रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे हमको सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, DMRC हो गया, SSC JEE हो गया, UPPCL, और भी जितने भी स्टेट सर्विसेज के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी 3-phase पावर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।